भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। और मेरे साथ मेरे चहेते मित्र और आप सबके सुपरस्टार खेसारी जी हैं और आज कृति का बर्थडे है। पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए हैं, बालों में फूल। भैया कैसे हो? पसीना नहीं है, इन लोगों का टॉर्चर है। अच्छा, कैसा टॉर्चर? टॉर्चर के मतलब जो एक्चुअली गेस्ट भी आ रहे हैं और फोटो खिंचाने वाले फेसबुक वाले ढेर लोग आ गए हैं, तो उसमें फोटो खिंचाने में आधा खून खिंचा गया है, तो खून जब खिंचा जाता है तो पसीने में बचता है, वो तो पसीना है थोड़ा सा। अच्छा, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया था बाहर, जबरदस्ती आपको ढकेल ढकेल के सेल्फी ले रहे थे। वो उनकी प्यार है, मोहब्बत है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही ढकेल रहे थे। ये ढकेलने वाला प्यार मैंने पहली बार देखा। खेसारी भाई झेलते रहते हैं बहुत सारे भीड़ में, कई बार है, मोहब्बत को झेलना नहीं बोलेंगे, उनके प्यार है, लेकिन एक फोटो से अगर संतुष्टि हो जाती है तो सही है, लेकिन पांच को छो 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 खींच रहे हैं। नहीं, उसे कई बार ब्रेसलेट वगैरह अंगूठी उंगूठी भी चली जाती है ना, वो सब तो सुना था मैंने, तो उन्हीं का दिया हुआ है, खींच लेंगे तो क्या फर्क पड़ता। अच्छा, है थोड़ी देर में मैं भी एक सेल्फी लूंगा फिर खींचेंगे। खेसारी भाई, कृति का बर्थडे है, क्या कर रहे थे आप? अचानक कल आए मुंबई, मुझे पता चला, कहाँ शूट में भेजते थे? दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ में दो चीज़ें नहीं भूलता, अपने बेटे का बर्थडे और अपनी बेटी का बर्थडे, क्योंकि मेरे पापा के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, तो मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि अगर पब्लिक का प्यार मुझे मिला है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरे पापा ने जितनी उनकी शक्तियाँ थी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं शायद उनका कर्जा नहीं चुका सकता, तो मैं उनकी तुलना तो अपने से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पावरफुल मेरे पापा थे, क्योंकि उनको 7 बच्चों को पालना था, मैं तो 2 में ही परेशान हूँ और 2 के लिए ही इतना सब व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी मेरे जीवन की सबसे बड़ी सूत्रधार है, जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके पैदा होने के बाद, तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि लगता है कि एक यज्ञ और करना पड़ेगा मुझे उसके लिए जिस दिन वो मेरे बीच से जाएगी, तो ये यज्ञ देखने के बाद मुझे ऐसा आभास होता है, तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए किसी दिन, जिस तरह दुनिया का दस्तूर है, कभी ना कभी बिटिया तो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती ही है, तो बस थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है आदमी उसके बर्थडे पे। बेटे के बर्थडे पे ज़्यादा इमोशनल नहीं खींचता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा है एक हार्ड कॉर्नर में मेरे जीवन की, क्योंकि मेरे जीवन सांसें है मेरी, वो मेरी धड़कन की तरह है। खेसारी लाल, इतना सुपरस्टार होते हुए इतना इमोशनल क्यों है? क्यों हर बात में इतना इमोशनल हो जाता है? परिवार की गरीबी सोच के, बच्चे का प्यार सोच के, इतनी अच्छी बॉडी है और इतना नॉर्मल, इतना कोमल सा दिल। देखिए, समस्या ये है कि बॉडी से दिल का कोई ताल्लुकात नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा बॉडी हो, दिल तो सॉफ्ट कॉर्नर में ही होता है जो इमोशन होता है, और मैंने अपने जीवन के हर उस पहलू को देखा है, अपने जीवन के हर उस पहलू को देखा है ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये खुशी उस समय मुझे नहीं मिली थी जब मेरे दादाजी जिंदा थे, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें आभास करके मुझे फील होता है कि काश मेरे हर वो जीवन के दस्तूर जिन्होंने एक बीज बोया और उस बीज का आज मैं परिणाम हूँ कि मेरे पापा ने इतनी स्ट्रगल करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया और पब्लिक का प्यार मुझे मिला, तो मेरे लिए जो भगवान स्वरूपी जनता है उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि बस अपना हाथ इस मात से मत हटाना, क्योंकि प्यार के लिए बहुत तरसा हूँ मैं, बड़ा ठोकर खाया हूँ, तो होता है जब आदमी बड़ा यज्ञ करता है ना, तो वो औकात समझ में आती थी कि कभी कुछ था ही नहीं और इतने लोग मोहब्बत करने वाले नहीं थे मुझे, लेकिन आज पब्लिक का प्यार से लेकर इंडस्ट्री का हर वो आदमी मुझे अपने बेटे की तरह मानता है, और मेरा भाई आनंद भी, आप तो मेरे नाम से बदनाम भी हो, ऐसे भी लोगों को लगता है कि खेसारी लाल का प्यारो है आनंद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आनंद के अंदर एक चीज़ तो है कि आनंद सच्चाई हमेशा छापते हैं, जो सच्चा चीज़ें होता है उसी का वही सवाल ही करते हैं, और मैं इनको इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि इनकी कोई भी YouTube पे अगर कोई भी लाइन अगर होती है बिंदास भोजपुरिया की, तो उसमें कहीं से कुछ अलग नहीं होता है कि अपने न्यूज को चलाने के लिए मैं कुछ भी छाप दिया कि खेसारी को लग गई गोली, भले वो एथी में लगे, सिनेमा में लगे, लेकिन उसके लिए 25 तरीके के कई भी सारे चैनल हैं जो आज तक अपने चलाने के लिए कुछ भी न्यूज छाप देते हैं, वो चीज़ें कुछ चैनलों पे नहीं है, और जैसे कि बिंदास भोजपुरिया एक अलग है, और मैं से आनंद से इसीलिए मोहब्बत करता हूँ कि इनका सवाल भी होता है वो जेन्युइन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा सवाल करते हैं, कुछ मेरे प्यारे हैं एक संजय भूषण पटियाला जी, वो कभी कभी उल्टा पूछते हैं सवाल, अजीब गरीब पूछते हैं, लेकिन मोहब्बत करता हूँ ना, लेकिन उनका भी उसमें भी दुख होता है,
संजय पटियाला थे यहीं पे, वो उस तरफ से कुछ शूट करें, खेसारी भाई। लेकिन जैसा आपने कहा, मैंने देखा खेसारी लाल को मेहनत करते हुए देखा, 5-6 सालों से मैं कंटिन्यू इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने देखा खेसारी लाल को आगे बढ़ते हुए मेहनत करते हुए भी देखा मैंने। ये खेसारी लाल जिसके पीछे लोग सेल्फी निकालते हैं ना, इसके पीछे कितनी मेहनत की वो मैंने बड़े नज़दीक से देखा, इन इंटरव्यूज में देखा, खेसारी लाल को रोते हुए भी देखा, कहते हुए भी देखा और प्यार करते हुए भी देखा। तो देखिए, सबसे बड़ी कि आप मेरे जीवन के हर उस पहलू में हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तब से आप मुझे जानते हैं, जब आप किसी और चैनल के लिए काम करते थे तो उस समय भी आपने मेरे हर जीवन का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि जो जीवन एक इंटरव्यू पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था, खेसारी लाल का इंटरव्यू एक दिन में 15 लाख भी जाता है और 1.5 करोड़ लोग भी देखते हैं, खेसारी लाल का अपना पावर है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी पावर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरे पब्लिक का मोहब्बत है। 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले बिंदास, लव यू बिंदास भोजपुरिया को ढेर सारी शुभकामना और मेरी बेटी की तरफ से ऐसे ही दुआ देते रहिए मेरी बेटी को। मैं याद दिलाता हूं, खेसारी लाल पहला आदमी था जिसने कहा था चैनल शुरू करो बम बम आ जाएगा। थैंक यू लव यू। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।